नमस्कार, आपण मानक रश्मि कुकिंग चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज पूरा मटन स्टाइल रे पणस आलू तरकारी तैयारी करबा आ खाइबापाई बहुत बढ़िया लगे, खास करी गरम गरम भात सहित। तेब चलतु डेरी न करी रेसिपी को स्टार्ट करबा। एथिपाई देखंतु एठी मु पणस को काटि नेछि ओ आलू मध्ये नेछि बड़ बड़ साइज रे, जेमिति आमे मटन रे आलू पकेई थाउ। तो प्रथमे आमे आलू ओ पणस को भाजि नबा। एठि मु गोटे कड़ाई बसई नेछि, एबे एथिरे 2-3 चम्मच रिफाइन तेल गरम करिबा। एबे एथिरे पणस आलू को भाजि नबा। एबे आमे कभर कर देबा आउ मीडियम फ्लेम रे 5-7 मिनिट पर्यंत भाजि नबा, जेमिति कि पणस आलू रा कलर गोल्डन कलर हि जइबो। एठी देखंतु 7 मिनिट हो गलानी ओ पणस आलू भी त कलर चेंज हो जाइछि, भलो भाबरे 60-70% सिझि भी जाइछि। तो देखंतु एबे आमे गोटे प्लेट को बाहर कर नबा ओ एबे आमे तरकारी तैयारी कर नबा। पूरा मटन रो टेस्ट पाई एठी मो सोरस तेल नेछि, तो 3-4 चम्मच सोरस तेल गरम करिबा। तेल गरम होला परे एबे गोटे तेजपत्र 1/2 चम्मच जीरा पकेबा, आपण माने अलगा गरम मसला भी पके परिबे। जीरा फुटी गला परे एबे एथिरे प्याज पकेबा। एठी मो गोटे बड़ प्याज को काटि नेछि। एबे आमे प्याज को पूरा लाल हेबा पर्यंत भाजि नबा। एबे एथिरे 2-3 टी सुखिला लंका पकेबा और प्याज को भलो भाबरे भाजि नबा। तो देखंतु प्याजर कलर पूरा चेंज हो गलानी। तो एबे एथिरे 2 बड़ चम्मच अदा रसुण प्याजर पेस्ट पकेबा। भलो से मिसेई कि मसला को आमे 3-4 मिनिट पर्यंत कसि नबा। एबे एथिरे 1/2 चम्मच हलदी गुंड पकेबा, 1 चम्मच धनिया गुंड पकेबा। मटन तरकारी कला बेले जेमिति आमे मसला को बेसी टाइम पर्यंत कसि थाउ, ठीक सेमिति पणस आलू तरकारी कला बेले मध्ये मसला को बेसी टाइम पर्यंत कसिबा, जाद्वारा पूरा टेस्ट मटन भले आसिबो। तो ये देखते हलदी गुंड धनिया गुंड मुझे एबे एथिरे गोटे बड़ चामच लंका गुंड 1/2 चम्मच जीरा गुंड एड करिबा। आपण मैंने जितकी राग खाऊ अनुसार लंका गुंड ने आपण मैंने कंचा लंका भी पक पारे। तो सब जिनस को भल भाव मिसेकी पुणी थे मसला को 2-3 मिनिट कसिबा। एबे एथिरे अल्प टिके पानी देके 2 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे छाड़ी दबा। तो देखंतु 2 मिनिट हो गलानी आउ मसलार सब तेल भी बाहरी गलानी। तो एबे एथिरे कटा टमाटो पकेबा। एठि मो 2 बड़ साइज़र टमाटो को काटि नेछि। एबे एथिरे स्वाद अनुसार लुणा पकेबा। भल भाव मिसई नवा और कभर करके 3 मिनिट पर्यंत छाड़ी दबा, जाद्वारा टमाटो भल भाव सीझीज। तो देखु 3 मिनिट हो गला टमाटो भी भल भाव सीझीगला। तो ये आम भाजिक रखि आलू और पणस को एड करद। मसला सहित तो भल भाव मिसई नवा। एबे एथिरे 1/2 चम्मच गरम मसला पकेबा। भल भाव 2-3 मिनिट पर्यंत
ଏହି ମସଲାରେ ପଣସ ଓ ଆଳୁକୁ କଷିବା। ପଣସ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ନେବେ। ଆଉ ଏହି ଝୋଳ ବି ପୁରା ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା ଆଉ 2ରୁ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଆଗରୁ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବନି। ତ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର କଭର୍କୁ ଖୋଲି ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଆଳୁ ପଣସ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଥରେ ପଣସ ଆଳୁ ତରକାରୀକୁ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।